गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। Okay, all students, open your EBS book. Okay, good morning, everyone. Let's open your EBS book, chapter 8. हमने जो लास्ट वीडियो में आपको लास्ट क्लास में समझाए थे, क्या आपने इसको फिल कर लिया है? पेज नंबर 50, 51, ये जो हमने आपको बोर्ड में भी लिखवा दिए थे, आई थिंक यू ऑल फिल इट। सबने फिल कर लिया है? यस मैम। चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। हाँ यस मैम। टुडे ओपन पेज नंबर 54, दिस वन 54, दिस वन पेज नंबर, आपकी बुक में 54 है, ओपन कर लीजिए। और सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे, माइक म्यूट रखना है और वीडियो ऑन रखना है, और जो भी वीडियो ऑफ करेगा हम उसको रिमूव कर देंगे। ओके नाउ स्टार्ट। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द वर्ड मेंशन्ड इन द लेसन हैव यू सीन राइट देयर नेम्स। ये हमने होमवर्क में दिया था, क्या आप लोगों ने कर लिया है? Yes, ma'am. इस चैप्टर में जो अभी हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्लास में, वही इसमें लिखना था कि कितने कौन कौन से एनिमल्स इसमें दिए हैं। इस चैप्टर में आपको हमने लिखवाया था, पिकॉक है, ईगल, फैलकॉन भी कहते हैं इसको, पैरट, क्रो, कोयल, वल्चर, टेलर बर्ड, वुड पेकर, आउल। ये इस चैप्टर में स्टार्टिंग के वन फर्स्ट 52, 53 एंड 54 में आउल दिया था, ये आपको हमने लिखवा भी दिया है। यदि नहीं लिखा हो तो आप इसको लिख लेंगे, ठीक है। इसमें 8 वर्ड्स के नेम दिए हैं, ये आपको लिख लेना है। नोटबुक में भी लिख सकते हो, बुक में या नोटबुक में, जो आपको इजी लगे उसमें लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सेकंड, नाउ गो आउटसाइड एंड लुक फॉर वर्ड्स ऑन ट्री, इन वाटर, ऑन द ग्राउंड, इन एंड अराउंड बुशेस, हाउ मेनी वर्ड्स कुड यू सी। आप अपने घर से बाहर निकलना है आपको, और कहाँ कहाँ देखना है, ट्री के ऊपर देखना है कौन से वर्ड्स हैं, वाटर में कौन से वर्ड्स हैं, ऑन द ग्राउंड, और
बुशेस झाड़ियों में जो आसपास आपके पेड़ पौधे लगे हो, बगिया हो या कोई पार्क हो, तो वहां आपको देखना है कि कौन कौन से आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये आपकी एक्टिविटी है, आपको खुद ही देखकर, खुद देखकर आपको उसको फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से वर्ड्स आपने कहा। मैम प्लीज बताइए, मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बेटा, नाम बताओ अपना पहले। Tell your name. Name बताइए, किसको समझ में नहीं आया और क्या समझ नहीं आया ये भी तो बताओ, तब तो हम एक्सप्लेन करें उसको दोबारा। अनम्यूट करके जिस बच्चे ने अभी हमको बोला समझ नहीं आया, आप फिर से बताइए कि क्या नहीं समझ में आया, तब तो हम समझाए उसे। इसका मतलब सब समझ में आया, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, हम रिमूव कर देंगे इस तरह। आपने यदि किसी बच्चे ने भी डिस्टर्ब किया, आपको नहीं समझ में आया क्लियर बोलिए ना, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर बोलिए उसे, नहीं बोल रहा कोई, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड में जो हमने बताया आपको समझ में आ गया है कि आपको घर से बाहर निकलना है, आपको अपने बाग बगिया जो आसपास हो, पेड़ पौधे जहाँ लगे, बुशेस झाड़ियाँ लगे हो, वहां आपको देखना है, ग्राउंड में देखना है। आपके घर में भी आ जाते हैं कुछ वर्ड, आपको देखना है बाहर निकल के कि कौन से वर्ड आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं। कुछ ट्री में दिखते हैं, कुछ वाटर में, कुछ ग्राउंड में भी दिखेंगे, कुछ झाड़ियों में, पेड़ में दिखेंगे। तो आपको पहचानना है कौन कौन से वर्ड कहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें थर्ड दिया है क्वेश्चन, इन द टेबल राइट द नेम्स ऑफ वर्ड्स एंड पिक द प्लेस वेयर यू सॉ देम। इफ यू डू नॉट नो द नेम्स ऑफ एनी वर्ड देन राइट हाउ यू वुड नो इट। आप जब बाहर जाके देखोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सा वर्ड्स आपने कहाँ देखा है, उसी के अकॉर्डिंग जो सेकेंड क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड दिया है और ये टेबल दी है, ठीक है, टेबल दी है। हम इसमें एग्जांपल आपको बता देते हैं, जैसे नेम ऑफ वर्ड दिया है, नेम ऑफ वर्ड दिया है और इसमें आपको कॉलम दिया है, आपने ऑन द ट्री देखा, मैम लिखना है आपको, केवल समझना है, आपकी बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। आपको किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, बुक में सामने दिख रहा है, आपके स्क्रीन में भी, आपको केवल एक्सप्लेन कर रहा है, इसमें आपको समझना है। इसको हम शॉर्ट पे लिखते हैं, इसमें आपको समझ में आ जाए। ऑन द ट्री ये कॉलम बना के हम आपको केवल समझा रहे हैं, आपको लिखना नहीं है। ऑन द ट्री इसमें दिया है, नेक्स्ट दिया है इन वॉटर, इसका फिकर थोड़ा आगे पीछे हो गया है। नेक्स्ट ऑन द ग्राउंड, केवल समझना है और फिर आपको खुद लिखना है। इन द हाउस, एंड फ्लाइंग, उड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर दिया है, एक हमने ले लिया है जैसे वर्ड पैरट, ये पैरट ले लिया है फर्स्ट वाला, फिर इसमें सेकंड लिया है आउल,
थर्ड ले लिया इसमें, स्पैरो हो गया या पिजन, पिजन भी ले सकते हैं। चलिए अब इसमें क्या करना है, पैरट आपने कहाँ देखा है, ऑन द ट्री देखा है, इन वॉटर देखा, ऑन द ग्राउंड, इन द हाउस या फ्लाइंग उड़ते हुए। अब ये कहाँ देखा है, दिखाई तो ये कहीं भी दे सकता है, लेकिन आपने इसे कहाँ देखा वो आपको टिक करना। जैसे हमने इसे ऑन द ट्री देखा है तो हमने इसको टिक कर दिया, ओनली वन प्लेस में ऑन द ट्री इसमें देखा है। आपने यदि उसको ग्राउंड में देखा तो ग्राउंड में टिक कर सकते हो, हाउस में देखा तो हाउस में टिक कर सकते हो या फ्लाइंग में, ओनली वन प्लेस में आपको टिक करना है। ठीक है, हमने देखा है ऑन द ट्री तो हमने ऑन द ट्री लिखे। आउल, आउल आपने कहाँ देखा, ऑन द ट्री, इन वॉटर, ऑन द ग्राउंड, इन हाउस या फ्लाइंग, हमने आउल को देखा है जैसे ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड में, या आपने फ्लाइंग करते देखा तो आपको उसमें टिक कर देना ओनली वन। पिजन, पिजन ज्यादा करके आपने ट्री में या वॉटर में तो रहेगा नहीं, ऑन द ग्राउंड में, इन द हाउस, हाउस में अक्सर ये अपने घर के अंदर अपना हाउस बनाते हैं तो आपको हाउस में, मेट्रो सिटीज में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती है ये उसमें वहां पर घरों में ही बनाया करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसमें ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से वॉटर का हुआ, एक और आपने फोर्थ नंबर ले लिया, ये टू थ्री फोर्थ डक ले लिया, डक, डक भी बर्ड है, थोड़ा उड़ती भी है आपको पता है। अब ये आपको कहाँ दिखाई देगी ज्यादा करके, ओके, इस तरह आपको इसे फिल करना है। आई थिंक सबको समझ आ गया होगा, और नहीं आया तो जब हम लास्ट में जब पूछेंगे तब आप बता दीजिएगा कि किसको कहाँ समझ नहीं आया है। चलिए नेक्स्ट है, एनी क्वेश्चन, इसमें किसी को क्लियर नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हो, एनी वन, क्या किसी को समझ ना आया हो तो आप पूछ सकते हो इसमें। क्लियर है सबको, आगे बढ़े हम। यस मैम। चलिए वेरी गुड, यस मैम, यदि आपको समझ आ गया है तो हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको फिल करना, वन टू थ्री फोर फाइव दिए हैं, फाइव वर्ड्स के नेम आपको लिखना है और कहाँ आपने देखा है ये भी लिखना है। ओके नेक्स्ट है, हैव यू एवर नोटिस दैट डिफरेंट वर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ वी, आपने नोटिस किया होगा कि जो वर्ड्स होती हैं डिफरेंट, विभिन्न प्रकार की जो वर्ड्स होती हैं तरह तरह की, उनकी वी मतलब चोंच भी डिफरेंट टाइप की होती है। सभी ने देखा होगा पैरट की थोड़ा मुड़ी हुई होती है, पिकॉक की स्ट्रेट होती है, इसी तरह आपने और भी देखा होगा ईगल की, स्पैरो की, तो बीक के थ्रू आपको पहचानना है किसकी है ये बीक से। जैसे इसमें फर्स्ट में किसका दिया है, पैरेट, सेकेंड पैरेट, ओके क्रो मैम, इसे फर्स्ट दिया है, माइक को म्यूट कर दीजिए, बहुत शोर हो रहा है, आप रिप्लाई करके माइक को म्यूट कर दे तुरंत। पैरेट, फिर क्रो, थर्ड पीकॉक, ओके अब नेक्स्ट इसमें और दिए हैं,
ये क्या है? ईगल। वेरी गुड मैम, ईगल। इसके बाद है स्वान। स्वान नहीं है, ये क्रेन है। ध्यान दीजिए इसकी जो बीक लंबी है, पहचानिए। स्वान नहीं है ना, क्रेन है, क्रेन। यस मैम। हाँ तो इसको हमें क्रेन लिखना है। थोड़ा सा बीक चेंज होती है, उसकी छोटी होती है और इसकी थोड़ा लंबी होती है क्रेन की। अब नेक्स्ट इसमें जो ब्लैंक दिया है, ये आप देख रहे हैं यहाँ ब्लैंक दिया है। इसमें आपको एक बर्ड की बीक बनानी है, आपको खुद बनाना है और उसका नाम लिखना है। इसमें लिखा है इन द ब्लैंक स्पेस ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द बीक ऑफ सम अदर वर्ड। जो इसमें बने हुए हैं इसके अलावा आप बुक से देखकर बना सकते हैं। इन जो हमने लिखवाए इनके अलावा पैरेट, क्रो, पीकॉक, ईगल, क्रेन, इसके नहीं बनाना है। इसके अलावा आप और अदर जो आपकी बुक में दिया है इनमें से किसी की भी बना सकते हो। जैसे इसमें ये इतनी सारी दिया, आउल की बना सकते हो आप, ये क्रो की बना सकते हो, पिजन की बना सकते हो, है ना, कोई भी आप, ये क्रो है, ये बना सकते हो, कोई भी आप ब्लैंक वाले स्पेस में बना सकते हो। ओके, इस स्पेस में आपको एक स्पीक बनाना है अदर वर्ड की और उसमें नाम लिखना है उसका। अब नेक्स्ट दिया है जस्ट एज मैम, ये होमवर्क है। हाँ ये होमवर्क है क्योंकि इसको आपको खुद करना है, है ना, आपको खुद ही ड्रॉ करना है इसमें, ये होमवर्क है। नेक्स्ट दिया है जस्ट एज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बीक, दे आल्सो ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। व्हाइल सम ईट फ्रूट, सम ईट सीड्स, सम ईट एग्स, व्हाइल अदर ईट फिश। किसी बच्चे के पास से बहुत शोर हो रहा है, आप म्यूट कर दीजिए माइक को, जब हम पूछेंगे तभी आप अनम्यूट किया करेंगे। हाँ गुड। इसमें जो दिया है डिफरेंट टाइप्स की वीक्स होती है क्योंकि उनके फूड भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो डिफरेंट टाइप्स के फूड ईट करते हैं, इसके लिए उनकी वीक्स भी अलग अलग होती है। अब इसमें आपको मैच द वर्ड विद देयर फूड, अब उनके फूड के अकॉर्डिंग आपको मैच करना है। चलिए सब फर्स्ट में वल्सर दिया है, वल्सर क्या खाता है? बताइए, पीछे फर्स्ट पेज में इंट्रोड्यूस किया है इसने वल्सर ने, वल्सर क्या खाता है? मैम डेड एनिमल्स। हाँ डेड एनिमल्स, तो इसमें डेड कौन सा पड़ा है इसमें देख लीजिए, पहचानिए। मैम बर्ड। हाँ बर्ड को मैच कर दीजिए। ओके मैम। ये हो गया बर्ड। और नेक्स्ट क्या है, ये क्या है? ईगल। मैम ईगल क्या खाता है, वो भी इसमें इंट्रोड्यूस किया ईगल का। मैम माउस। माउस। हाँ तो आपको ये माउस को मैच कर देना। नेक्स्ट ये क्या है? अच्छा वो ने पे, हाँ बताइए। हाँ पिकर, ये जो इंसेक्ट छुपे हुए होते हैं उनको खाती है, ठीक है। ये पैरेट क्या खाता है, उसे क्या पसंद है? मैम चिली। ये चिली।
और पिजन एंड मैम पिजन में दाने खाता है। हाँ वेरी गुड, आपको मैच कर लेना इसी तरह से। मैम हाँ चलिए, इतना आप लोगों ने कर लिया है। यस मैम। आपका होमवर्क क्या क्या आपको पता हो गया? 100 पेज नंबर 55 में जो सबसे पहला दिया है नेम ऑफ द वर्ड जो हमने लिखवाया है, ये भी आपको करना है। आपको अपने अकॉर्डिंग करना है, ये हमने अपने अकॉर्डिंग बताया था। आप जो बाहर जो जो वर्ड जहाँ देखेंगे वो आपको अपने अकॉर्डिंग, ये एक्टिविटी है ना। और ये वाला आपको ड्रॉ करना है। नेक्स्ट दिया है Have you ever noticed that birds fly and walk in different ways? Their neck movement also differs. The mynna moves her neck back and forth with a jerk. Mynna थोड़ा फोर्थ वन फोर्थ होता इतना ये अपने नेक को बैक कर सकती है। The owl can rotate its neck backward to a large extent. Can you move your neck like the owl? Owl जो बैक करता है अपने नेक को वो कितना है पीछे तक देख सकता है, पूरा बैक साइड तक अपनी नेक को रोटेट कर लेता है। आपको ये प्रैक्टिस करना है कि आप अपने नेक को कितना रोटेट कर सकते हो। पूरा आपको नहीं घूमना, बॉडी को नहीं घुमाना, केवल आपको नेक, समृद्धि करिए नेक, बस कितना आप, हाँ बस इतना ही हम लोग फोल्ड कर सकते हैं। वेरी गुड, आपको बैठ कर केवल अपने आपको बैठ कर केवल आपको नेक को थोड़ा सा रोटेट करके देखना, जैसे आपने थोड़ा इतना ही कर पाओगे। लेकिन आउल क्या होता है बैक साइड भी देख लेता, पूरा पीछे तक रोटेट कर लेता। मैना थोड़ा सा वन फोर्थ करती, थोड़ा सा और कर सकती है, हम लोगों से थोड़ा ज्यादा कर सकती है। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये एक्सरसाइज आपको खुद करना है, रोटेट वाला, इसमें लिखना कुछ नहीं है, आपको करना बस है। नेक्स्ट है, देयर आर सम वर्ड्स विच कैन इमिटेट अवर वॉइस। डू यू नो द नेम ऑफ एनी सच वर्ड? जो हमारी आवाज की नकल कर सकता है उस वर्ड का नाम बताइए। मैम पैरेट। पैरेट, तो आप अब इसमें क्या करना है, ड्रॉ इट्स पिक्चर इन योर नोटबुक। आपको पैरेट की पिक्चर्स को ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक में, उसका नाम लिखना, उसको कलर करना है। ओके ओके मैम। ओके मैम, आपका होमवर्क है। ठीक है, इतना होमवर्क है आपका, आपका टू होमवर्क मिल गया। एक ड्रॉ करना है आपको वर्ड की बीट ड्रॉ करना है, और एक मैम किस नोटबुक में? टीवीएस की नोटबुक में बेटा, मैं में टीवीएस की नोटबुक है ना आपके पास, उसी में करना। अब जितना हमने अभी समझाया इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता पूछ सकता है हमसे, जो ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है। मैम कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है मैम? नो डाउट, नो मैम। और किसी को, दीपांशी, अंशिका, अभ्यास, जन्मेजय, किसी को डाउट है क्या? राखी, नो मैम। नो मैम। जन्मेजय,
चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? नो मैम। जितना होमवर्क बताया है, हाँ जितना होमवर्क हमने बताया उतना आपको क्लियर हो गया है कि क्या करना है। अभी हमने यहाँ सब पढ़ा है कि हमने पेज नंबर 57 तक किया है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन 57 का, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जितना बचा है उसको कंप्लीट करा देंगे। आप रीड करके रखिएगा, आगे का जितने पैराग्राफ बचे हैं उसको आप रीड कर लीजिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। इजीली आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको जितना हमने पढ़ाया उसको आपको घर में रीड भी करना है, रीड करना है तभी समझ में आएगा। आपको कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास ओवर करें। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलिए ओके, से बाय बाय। बाय मैम। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय मैम।